वेलकम टू स्टार टेक्नोलॉजीज। आज हम देखते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर आइडेंटिफायर का हम फील्ड पर कैसे यूज़ करते हैं और इसका एप्लीकेशन क्या है। सो बेसिकली फील्ड पर हमारे पास कई सारी लाइन होती हैं, कई लाइन्स ऐसी होती हैं जिसमें पावर नहीं आ रही होती है, या कई लाइन्स ऐसी भी होती हैं जिसमें पावर आ रही होती है। तो ये डिवाइस इन लाइनों को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ की जाती है। एक बार हम टेस्ट करके देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करती है। सो बेसिकली अभी मैंने इसे किसी सोर्स से कनेक्ट नहीं किया है, सिंपली एक पैच कोड है जिसमें कोई पावर नहीं आ रही है। हम इसे चेक करते हैं। सो हमें सिंपली इसे कनेक्ट करना है इस सर्किट में और इसे क्लिक करना है। यहाँ पर आप नो सिग्नल का ब्लिंक देखोगे, इससे पता लगता है कि इस लाइन के अंदर इस समय कोई सिग्नल नहीं है। दैट मीन्स दिस इज़ अ डेड लाइन, ये एक डेड लाइन की तरह काम कर रही है। इसी के साथ अगर हम इससे कनेक्ट कर देते हैं एक लेजर सोर्स को जिसमें कि -7 dB पावर लाइन में शूट होगी, और हम अगर इसे चेक करते हैं इस सर्किट के साथ, हम इसे चेक करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि पावर आ रही है इस लाइन में और राइट डायरेक्शन की तरफ पावर आ रही है, मतलब लेफ्ट टू राइट ट्रेवल कर रही है पावर। और साथ में आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर 1000 Hz पर फ्रीक्वेंसी पर हम पावर को शूट कर रहे हैं, तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी भी बता रहा है कि कितनी पावर की फ्रीक्वेंसी है। अगर हम इस फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं और हम इसे चेंज करके 270 करते हैं तो ये इजीली आइडेंटिफाई कर लेता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई है, 270 हो गई है। अगेन हम इसे चेंज करते हैं 1000 पे, तो ये अगेन आपको ब्लिंक करता है कि पावर लेफ्ट टू राइट ट्रेवल कर रही है, साथ ही पावर 1 kHz पर की फ्रीक्वेंसी के साथ है। सो बेसिकली इस ऑप्टिकल फाइबर आइडेंटिफायर डिवाइस का यूज़ हम इसीलिए करते हैं कि सबसे पहले तो हमें ये पता लगे कि किस लाइन में पावर आ रही है। बिना फाइबर को कट किए हमें ये पता लग जाता है कि पावर हमारी आ रही है इस लाइन में या नहीं आ रही है। साथ ही ये पता लग जाता है कि पावर की डायरेक्शन क्या है, राइट डायरेक्शन है या लेफ्ट डायरेक्शन है। और साथ में हमें ये भी पता लगता है कि फाइबर में जो पावर चल रही है उस पावर कितनी फ्रीक्वेंसी पर वो पावर चल रही है। अभी हम इसको कन्वर्ट करके लेफ्ट डायरेक्शन में करते हैं और हम देखते हैं कि लेफ़्ट पर ईजिली वर्क करता है या नहीं। सो हमने अभी इसकी डायरेक्शन को लेफ़्ट कर दिया है और हम एक बार फिर से चेक करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपको लेफ़्ट साइड में दिखाई देने लगा है, ब्लिंक करने लगा है कि पावर आपकी लेफ़्ट साइड ट्रैवल कर रही है। और क्योंकि ये 1 kHz पर है सो यहाँ पर आपको 1 kHz दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम ऑप्टिकल फाइबर आइडेंटिफायर का यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच।